या मरुड़ मेरे ही सहारे पर निरंतर नाचता है ताल मेरे ही इशारे पर। अरे घड़ी भर की अगर गुस्सा मेरी आंखों में छा जाए मैं टोले हिले पर बताश भी थर रहा हूं। अरे जिधर फेर रखता हूं मैं उधर तू चल आता है पृथ्वी की किया मचा आसमान भी थर दीवान बेईमान सुनाइए बिरजा के क्या हाल है। ओ आई सी यू आलू राय दीवान बेईमान बेर सलवार नहीं है तलवार है तेरे अंदर। सुनाइए फिर जाके क्या हाल है महाराज। कहिए मैं क्या पूछता हूं बता। महाराज सुखी है प्रजा ना कोई फरफंद है महाराज इधर देखता हूं उधर आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं दीवान आप जैसे मंत्री हो तो राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी और जो हमने आदेश दिया था उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा महाराज जो आपने कहा उसका जी बिल्कुल जी काम हो लिया। क्या क्या काम हो गया? देखो जी साधुओं को पकड़वा कर मेरे सब जेल बंद करवाए दे। बहुत अच्छा किया। मंत्रों को तुड़वा दिया और मूर्तियों को खड़वा कर यमुना जी भी भगवा दी। वाह वाह और क्या किया? और बताइए महाराज। हाँ और जो तुम्हारी बहन की शादी वो संपूर्ण होगी संपूर्ण हो गई। क्यों नहीं दीवान क्यों नहीं। अरे जय योगेश्वर जय भूतेश्वर जय कामेश्वर कैलाशपति तुम्हारे चरणों में नमन करूं वंदना करूं माता। अरे हे इष्ट मेरी दुर्गा देवी जय कल्याणी जय रुद्राणी मस्तक माँ काली माँ। अरे जब भोलेनाथ है साथ मेरे माँ दुर्गा का हाथ रखा अरे ऐसा कौन है जो मुझसे अभिनय माई का नाम। दीवान जिसकी कृपा कटाक्ष से भूख हो बचल हम सब की रक्षा करें वो शंकर दी। जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राई हो रक्षा करे सदा सहाय कर्पूर गौरव करुणा बतारम संसार सारो भुजेंद्र हरम सदा बसंत मृत्यार विंदे भवम भवानी सहितम नबारी। सुनाइए हमारी बहन की शादी के समाचार। आपकी शादी आपकी बहन की शादी तो बहुत अच्छी हुई है। कोई किसी बात की कमी तो नहीं है? कमी ना महाराज एक ही कमी रह गई है। क्या महाराज वो अपनी ससुराल जाना चाह रही है। अरे जब शादी हुई है तो ससुराल नहीं जाएगी कहाँ जाएगी? चल आगे के समाचार। महाराज आपकी बहन जी और दरबार में आ रही है आपसे मिलने के लिए। आदर के साथ आने दिया जाए। ओ दीवान दीवान ओए बहुत मारा नहीं दिया जा ले, 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 बहुत मारा मार अरे मैं छुट्टी भी दिखाई दे रही तेरी तेरी छोड़ देता हम कहीं पर ज्यादा छोड़ जाता मैं नौकर रही हूं। सुन 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 हिंदी रे तू रोटी खा ले
ना खाइए रोटी खा भूख ही ना लगत मोई रोटी खा भूख ना लगत तो खाए करे मत ना ना खाऊं तो लेवत लगत तो भूख लगा देगा अति भूख लगत जो पटवाई गठड़ाता पीटा हराम खा रहो ना ओए कुछ कमाई कर रहे हो तुम ओ समीर है ओ समीर ओए वे महाराज से कह के ना ते ड्यूटी लिखवा दूंगी यहां ते ड्यूटी छुड़वा दूंगी महाराज से कह के तेरी तू कोनो भैया ड्यूटी छुड़वा मुने यार महलों से आई महली जो आई ना के आवती ए महलों से आई हूँ हाँ महलों से आई हूँ ओ महलों से आई कौन है तू बहन देवकी की सहेली तू ही है अकेली है और हूँ अकेली है अभी तो अकेली आई मेरे साथ और आ रही है बीमारी कोई बीमारी बीमारी तू रहने ना आया वो तो ना नारायण हो तो बता दे ओ तेरी तो फोटो कोई बात वो आईसीयू वाली राय अरे ये बात बता हां तो पूछूं पूछो पूछ लियो अम्मो का मत पूछो ना पूछो तुम्हारा ब्याह है गो ब्याह तो का मत मैं बहु ना जात के रहा हूं मैं बहु ना है ना बहु तो ब्याह करे मो से मैं तो पूछ रहा हूं ओ सही है तो ना करा फिर क्या कह रहा हूँ मुझे भी तो ऐसी बेइज्जत कर रही है ना मौका है सुना रहा हूँ क्यों लड़ रहा है महाराज कहाँ पर है महाराज कचौरी में कचौरी में तो बोलो ना तुम वो बोलो ना नाम तो और कहो तो हमको कचहरी हाँ कचहरी कचहरी महाराज से कह दो तुम्हारी बहन देवकी तुमसे मिलने आ रही है ओ आईसीयू आलू राय ठीक है जी महाराज शंकर की जय शंकर की महाराज कहिए दीवर के समाचार आपकी बहन जी गाड़ियों पर खड़ी है और आपसे मिलने के लिए आ रही है दरबार में आदर के साथ बुलाए जाए हमारी बहन जी महाराज आधार कार्ड ना हो तो आधार कार्ड नहीं आदर के साथ सम्मान से बुलाया जाए चलो सही है ठीक है ठीक है ठीक है देवकी की शादी हुई है हंसी खुशी के साथ बसदेव के साथ में देवकी ससुराल जा रही है आ रही है अपने भैया से मिलने दरबार में विचार करने लगी अपने भैया से मिल के जाऊंगी दीवार आ रही है बोलो बस वही पूछिए पूछिए क्या करे महाराज तो आधार कार्ड है तुम पे आधार कार्ड अरे आधार कार्ड तो मेरे बनो ही ना आधार कार्ड एंट्री ना है बिना आधार कार्ड तो जा दोबारा पूछ का मेरा आधार कार्ड ना बनवा लियो ना आधार कार्ड ना बनो ना तो जाओ लेकर लियो बंडो है जय शंकर की क्या बे दीवान उससे उसे इज्जत के साथ बुलाया जाए ठीक है जा रहा हूं
दूसरा देखे बुआजी राम 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 बहुत तेरी दीवादा लाल गुलाबी है ओ बुआ आज कावाद है कैसी बेरान भाई बुआ बता बता क्या कहा था हमारे भाई साहब ने भाई साहब ने जो कही कि तुम जा सामान ले आइयो तुम और ये आएंगे पैदल पैदल लाओ सामान दो बुआ सामान कुछ भी नहीं सामान कुछ नहीं ये कहा होगा सम्मान के साथ लेकर के ओ हाँ सही कह रही हो तो चलो 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 आज मेरी बुआ की शादी है आज मेरी बुआ की शादी है भ्राताश्री में आपको प्रणाम करते हो खुश रहो बहन देवकी कहिए कैसे आना हुआ और अब कैसे इतनी उदास कैसे उदास हो बहन भैया कहिए मैं आपके पास आई हूँ देखिए आपने हमारी शादी बड़ी धूमधाम के साथ की है जैसा आपने कहा था वही किया है कोई कमी नहीं छोड़ी है लेकिन भाई जब तुमने मेरी शादी की है तो मुझे ससुराल जाना होगा और आपके यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया और आज हमारे पतिदेव हमसे कह रहे थे कि देवकी अब यहाँ कब तक रहोगी हमें अपने वतन के लिए वापस चलना चाहिए हमें अपना राजकाज देखना है तो मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आई हूँ भैया कहिए कि मेरी डोली सजवा कर आप मेरी विदा कर दीजिए भैया बिल्कुल लेकिन भैया कहो एक बात मेरी समझ में नहीं आई क्या बात है कि बेटा और बेटी एक ही कोख से जन्म लेते हैं बेटा माँ बाप के पास रहता है और बेटे को जन्म लेने के बाद ही ये नाम रख दिया जाता है कि ये तो पराए घर का कूड़ा है इसे तो किसी और के घर जाना है तो है जब तक बेटी माँ बाप के घर रहती है तब तक कहते हैं ये किसी और की अमानत है और वही बेटी जब ससुराल पहुंच जाती है तो सास के